बहुत कटीली नचनिया लगती है, जरा दो चार ठुमके हमको भी दिखाओ। हैं? नहीं बसंती नहीं, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। क्यों ना नाचू, मैं तो नाचूंगी, क्या पता हमारी यूट्यूब पे वीडियो वायरल हो जाए। <योड़े। laughs> अरे चलो हाँ, उठाओ अपनी लकड़ी और निकालो पीछे, जल्दी दे दो तो। नोट तो खत्म थे, टना टन हो रही है। बाकी पैसे तो दे दो। पैसे? बाकी के पैसे? अबे कैसे पैसे, 5 रुपए में इतनी लकड़ी आती है, और क्या तुझे पूरा जंगल दे दो। चलो निकलो यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, 5 रुपए में पूरा का पूरा जंगल खरीदना चाहते है। अरे जीते देखो, सुबह सुबह परेशान करने आ जाते हैं, कहाँ धंधा तो इन लोगों को होता नहीं। अरे कहती हो, अरे सलीम का, तुम तो यहाँ बैठे हुए बस शायरी करते रिया करो, तुम्हें तो कोई फिकर विकर है नहीं। चलो बाहर बाहर गाड़ी आ गई है, जल्दी से उसे उतरवाओ, तुम भी खाली पीली लगे रहते हो। चलो भैया काम करते रहो। अरे तुम दोनों कौन हो भैया? अरे ये कोई मुसाफिर खाना है या धर्मशाला है भैया? कैसे हो सुरमा भोपाली? अरे मैं तो बिल्कुल चंगा हूँ भैया, पर तुम दोनों यहाँ? अरे भैया एक तरफ को चलिए, इधर को आइए। तुम्हें मालूम है पुलिस ने तुम्हारे ऊपर 2000 रुपए का इनाम रखा है, अगर मुझे तुम्हारी दाद किसी ने देख लिया तो मैं तो खामखा झमेले में आ जाऊंगा। अरे तुम तो निकल लो यहाँ से। अरे सुरमा भोपाली भाई। हाँ भाई। हम तो जेल जाना चाहते हैं। अल्लाह तुम्हारी मुराद पूरी करे। अरे सुर भोपाल होता तो हम तो तुम्हें कब का जेल भेज दिए होते, ये तो हमारा इलाका नहीं है भैया, इसलिए तुम यही घूम रहे हो। लेकिन सुरमा भोपाली भाई, हम तो ये चाहते हैं तुम हमें जेल भेज दो। क्या कह रहे हो भाई? अरे पुलिस ने ना हमारे ऊपर 2000 का इनाम रखा, और हम चाहते हैं वो सारा इनाम तुम ले लो। पर लेकिन सुरमा भोपाली, जब हम जेल से छूट कर आएंगे उसमें आधा तुम्हारा आधा हमारा। ठीक है भैया। अटेंशन, हमने कहा अटेंशन। सर वो अटेंशन ही मालूम है, मालूम है, मालूम है। योर कह दियो, मुंह खोल कर सुन लो, अब तक इस जेल में जो हरामखोरी होती थी वो आगे भी होगी। अरे जब हम नहीं सुधरे तो तुम लोग क्या सुधरोगे, और सुधरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर तुम लोग सुधर गए तो हमारा क्या होगा। आहा, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर है। आहा, हमारे जासूस इस जेल के कोने कोने में फैले हुए हैं। आज के लिए इतना ही काफी, बोलो भी। जेल के अंदर उस जेलर का मुखबर कौन है? वो है ना अपना हरिराम नाई, जेल का मोचड़ा, वही तो है कलमुहा। जेल में पिस्तौल आ चुका है और भागने की पूरी तैयारी हो गई है। पिस्तौल? हाँ हाँ पिस्तौल। साहब। आओ आओ हरिराम, क्या खबर लाए हो? साहब जेल में पिस्तौल आ गई है। पिस्तौल? हमारी जेल में पिस्तौल? सिपाही हो? चलो सिपाहियों, आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ, और बाकी मेरे पीछे आओ। तो
हमें पता चला है कि हमारे जेल में पिस्तौल आ चुकी है, लेकिन तुम लोग ये नहीं जानते हो कि हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। आहा, इतना गंदा कैदी। आहा, इतना पतला कैदी। आहा, अगर जेल में तेज हवा चल गई तो ये दौड़ के कहीं का कहीं गिरेगा। पिस्तौल यहाँ है, चलो हमारे साथ। सिपाहियों, कोई नहीं आएगा, चल। उन दोनों ने भागने की कोशिश तो की होगी। अरे कोशिश की, रेती रेती कोशिश की। वो मोटे वाला, वो जेते निकल के भाग रहा था। मैंने अपनी छड़ी निकाली और रेती मार के गिरा दिया उसको। वो तो गिर गया चटाक से। और वो लंबू वाला, वो तो निकल के भाग रहा था। मैंने भी संडी पकड़ के सेड़ा सेड़ सेड़ा सेड़ फिर गया था। दोनों गिर गए मेरे पैरों में। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? अरे मैंने भी दोनों के गिरवान पकड़ के कहा। क्या कहा? क्या कहा? अरे मेरे लायक कोई किस्मत हो तो बताना। अरे हाँ, तुम तो हाँ हाँ यहाँ बैठ जाते हो और 25 झूठ हमसे बुलवाते हो। तुम्हें तो कोई काम धंधा है नहीं, चलो निकलो यहाँ से। जब देखो झूठ पे झूठ बुलवाते रहते। और सुनाओ, कैसे हो जय भाई? अरे सुरमा भाई। हाँ भाई। हम अपने 1000 रुपए लेने के लिए आए। 1000 रुपए? हाँ हाँ 1000 रुपए। हाँ 1000 रुपए? अरे वो तो मुझे गिरफ्तारी के तुम्हारे दूसरे ही दिन मिल गए थे। वो दिले और आज का दिले, तब से जेब में लिए घूम रहे हो। 100-100 के 10 नोट है, बिल्कुल करारे। ये लो। चल वीरू। देख धन्नो, ये तो मुझे बेफुजुल बात करने की आदत तो है नहीं। अब तू दिन भर घास खाती रहेगी तो तेरा पेट अफर जाएगा। तेरा पेट अफर गया तो तू चलेगी कैसे? अगर तू चलेगी नहीं तो मेरा गुजारा कैसे होगा? मेरा पेट कैसे भरेगा? कम घास खाया कर, जिससे तेरा पेट भर जाए और मेरा भी गुजारा हो जाए। देख, मुझे ज्यादा बकबक करने की आदत तो है नहीं। अब आराम से घास खा। नहीं खाएगी? देख धन्नो, नखरे मत दिखा। नखरे दिखाने मुझे भी आते हैं। अगर मैं रूठ गई ना तो दिन भर मनाती फिरेगी। हाँ हाँ बाबूजी, कहाँ जाओगे? अभी यहाँ के फाड़ फाड़ कर क्या देख रहे हो? क्या पहले कभी तांगा नहीं देखा है? देखो बाबूजी, मुझे बेफजूल बात करने की आदत तो है नहीं। अब तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें जाना कहाँ है? नावपुर, फतेहपुर, आजमगढ़, रामगढ़। अरे ये इधर उधर क्या देख रहे हो साहब? ये गांव खेड़ा है, यहाँ पर मोटर गाड़ी नहीं चलती। ये बैठे अगर से चल दिए, यहाँ पे बसंती का तांगा ही चलता है। अब बोलो चलना है तो चलना है। चलना है जी। हाँ हाँ ठीक है, मैंने कौन सा मना किया है? चलना है तो बैठो। देखो साहब, पहले ही बोल देना अच्छा है। रामगढ़ का 2 रुपया है, आजमगढ़ का 1 रुपया। चल धन्नो। अब आप पूछोगे आजमगढ़ का 2 और रामगढ़ का 1 रुपया क्यों? तो पूछो पूछो पूछो। बताओ जी। रामगढ़ का 2 रुपया इसलिए है साहब, क्योंकि तांगा भी वहीं का है और बसंती भी वहीं की है। देखो साहब, वैसे तो मुझे बेफजूल बात करने की आदत तो है नहीं, बसंती को पूरा गांव जानता है। चलो ये तो हो ही हमारी बात। आप तो शहरी बाबू लगते हैं, लगता है गांव में पहली बार आए। आपने हमारा नाम तो पूछा नहीं, हमारा नाम क्या है? वैसे तुम्हारा नाम क्या है बसंती? हमारा नाम बसंती है। ये तो हुई हमारी बात। अब साहब तुम बताओ, तुम्हें जाना कहाँ है? रामगढ़ जी। हाँ हाँ साहब, तो चलो, मैंने कौन सा मना किया है? वैसे साहब आपने ये तो नहीं बताया, आपको रामगढ़ में किसके यहाँ जाना है? ठाकुर बलदेव सिंह के यहाँ।
अच्छा ठाकुर जी के यहाँ। चल धन्नो। तिंगे घूम जाएगा, नू भी पूछेगा नहीं कितने आदमी थे। अरे ओ सांबा, कितने आदमी थे? बस सांबा, सरदार तेरे ते ही पूछ रहे। क्या? बस सरदार नु पूछ रहा कितने आदमी थे। वो क्या पूछ रहे? मैं दूत तेरी की मैं। सरदार, इसका आना जाना तो बंद था ही, इबी से आवाज आनी भी बंद होगी। क्या कह रहे? होटल बंद हो गए? भाई मुझे नहीं पता, मुझे दाल चावल ला के दो, मन्ने तो भूख लग रही। हुक्कड़ कहीं गए? यारी मंगा दू, पाए मंगा दू, बिरयानी मंगा दू, साले काम के ना काज के दुश्मन अनाज के, भूखे लग रही है भूखे। अरे ओ कालिया, तू बता कितने आदमी थे? सरदार, वो आदमी कोई नहीं था, वहां तो सारी लोग गड़े थी और ठाकुर उनके साथ मजे में नाच रहा था। बच्चों, तुम फिर भी खाली हाथ आ गए? नहीं सरदार, हम खाली हाथ नहीं आए, तुम्हारे लिए टोफी लाए, लो इसे चूस लो। अबे कालिया, तुझे मालूम है मैं टोफी नहीं चूसता, मैं तो कुछ और ही चूसता हूँ, लेकिन तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी और आवाज मिलेगी। तेरा क्या होगा कालिया? कालिया किसे कह रहा? तेरे से गोराम है वो, ताज मैंने मुनि धोया इसलिए काला लग रहा। तो फिर आज के बाद तू कैसा भी नहीं लगेगा। सरदार, सरदार मुझे मत मारो, मैंने आपका बहुत नमक खाया है। सुअर के बच्चे, हम भी कहें कि हमारी सब्जी में नमक कम क्यों हो रहा है, तो वो सारा नमक तू खा गया, अब गोली खा। मैंने आपका नमक खाया है। जो डर गया समझो वो मर गया। हाँ ठाकुर, किसलिए बुलाया हमें? आने में तुमको कोई तकलीफ तो नहीं हुई? हाँ, तूने तो हमारे लिए हवाई जहाज भेज रखा था जोश में हम पड़काते। अरे ठाकुर, तो हमें काम बता, क्या काम करवाना हमारे पर? काम क्या, मैं कौन से तुमसे भैंसों का गोबर उठवाऊंगा?
काम वो जो मैं चाहो और दाम वो जो तुम लोग चाहो। अरे ऐसा क्या काम करवाओगे हमसे? अरे वीरू, मुझे तो ऐसा लग रहा जो हमारे पा वही करवाओगा जो हमारी माँ बचपन में हमारे साथ करा कर रही थी। चलो ठाकुर साहब, सौदा तो पक्का हो ही जाएगा। पहले ये बताओ तुम्हारे हाथ कटे हैं या साबुत है? ये बहुत दर्दनाक और लंबी कहानी है। ये उन दिनों की बात है जब मैं खेत में टट्टी करने गया था। बहुत जोर लगाया, टट्टी तो आई नहीं लेकिन गब्बर आ गया। और फिर गब्बर बोला, ठाकुर तेरी टट्टी तो आने रही तो इन हाथों का क्या करेगा, यह हाथ हमको दे दे। तो पहन दे तेरे हाथ। फिर क्या हुआ ठाकुर? फिर होना ही क्या था, जैसे मेरे हाथ कटे मेरी टट्टी आ गई। और जब से लेके मैं आज तक परेशान ही परेशान हूं। देख वीरू, मैं तुझे पहले ही कह रहा था यह बात, जो हमारे पे वही काम करवाओगा जो माँ हमारे साथ करा कर रही थी। गब्बर सिंह 5 दिन से भूखा है, जो भी थारे घर में हो दाल रोटी चटनी सब्जी खिचड़ी कबुल्ली तहरी उसकी खाने से मदद करो। रामलाल, इनका सामान लो और अंदर रख दो। तुम लोग मेरे साथ चलो। पहलिया, जाकर उस भोके गब्बर से कह दो के गांव वालों ने उसके सामने टुकड़ा डालना बंद कर दिया। टुकड़ा? अब नहीं उसका टुकड़ों में काम चल रहा, अब तो उसे 5 रोटियां चाह रही। पहले जाओ यहां से, उस भोके गब्बर को गांव वाले खुश नहीं देंगे। ठाकुर कौन रोकेगा हमें? मेरे आदमी। ठाकुर तूने ये शौक कब से पाल लिया? पेलिया, ये शौक मेरे आदमी तुमसे पूरा कराएंगे। जाओ इनका ये शौक पूरा करो। तुम भी खाली हाथ आ गए सरदार? खाली हाथ नहीं आए हम, जो हम खा गए तू भी खा गएगा। होली कब है? कब है होली? कब है होली? सरदार जी, हम रोज चलते चलते थक जाओ तो मगर घोड़ा नहीं दीवार है, कम से कम एक गधा तो दीवार दो। तू और के बच्चे अभी तो खुद ही कह
योड़े। आदमियों का शोक पाल लिया है, बाहर आओ, बिलों में क्यों घुस गए? जरा मैं भी तो देखूं, कौन से वो लोग हैं जो ठाकुर का शोक पूरा कर रहे हैं? मेरे आदमी अगर तुमसे थोड़ा सा अनाज और थोड़ा सा सामान मांगते हैं, तो क्या कोई जुल्म करते हैं? कोई जुल्म नहीं करते। कबर आओ ठाकुर, आओ आओ शाबाश, अभी तक जिंदा हो है? कबर गांव वालों ने भूखे कुत्तों के सामने टुकड़ा डालना बंद कर दिया। सुना है ठाकुर ने हिजड़ों की बोझ बना ली है। कबर तेरे मौत। तेरे सर पे मंडरा रही है। अबे तुम्हारी बहन को अपनी बहन बोलू? अबे सालो, तुम वहां चोंच लड़ा रहे हो और गब्बर यहाँ गया, मारो इसे। बताओ कौन से मारू? इसको लगाओ निशाना। लगा लगा लगा। अरे कहाँ लगा है निशाना? देख मुझे रोनी पीने की आदत तो है नहीं, अब निशाना नहीं लगा तो नहीं लगा, अब निशाना मैं लगाऊंगी। चल लगा। बता किसे लगाना निशाना? या मार। अरे निशाना चूक गए, कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करते हैं। हाय वीरू, क्या बोलती है? अरे बसंती, तुम्हारा निशाना तो बहुत कमजोर है, लाओ मैं सिखाता हूँ। अरे इसने तो बहुतों को निशाना लगाना सिखा दिया है। अरे तुम कौन होते हो मुझे निशाना सिखाने वाले? मैंने बहुतों को हराया है, वो तो बस आज निशाना चूक गया। कोई नहीं बसंती, मैं सिखाता हूँ, आ जाओ। ए जो बोया हमने, अब गोली दो। ए ऐसे पकड़ो इसे, ऐसे पकड़ के, ऐसे पकड़ के। ओह नो, ये किसने लगाया निशाना? अरे वो चिल्ला उसे सिखा रहा है भी मैं। धीरे धीरे सीख जाओगा, तुम सीखो। ए, ए, ए। ये लग गया निशाना। अरे यूं तो मैं सब समझ रही हूँ, तुम्हारा निशाना यहाँ नहीं, तुम्हारा निशाना कहीं और ही लग रहा है। चलो हटो।
अरे इमाम साहब कैसे हो? कौन? यूँ तो हमारा नाम बसंती है, पहचानते ही नहीं हो। अच्छा अच्छा अच्छा, बसंती कैसी हो? हम तो बढ़िया हैं इमाम साहब, तुम बताओ तुम कैसे हो? बस मैं भी अच्छा हूँ। क्या इमाम साहब, पूरे दिन घाट पे बैठे रहते हो, घुमा फिरा करो इधर उधर हमारी तरह। अरे बसंती, पूरे दिन बड़बड़ करती रहती हो, जरा अहमद मियाँ को भी समझाओ। ये तो हमें पता नहीं है, अहमद मियाँ को समझाना क्या है, जब हमें पता ही नहीं है तो हम समझाएंगे क्या? अरे बसंती, उसके मामू का खत आया है, शहर में बीड़ी के कारखाने में मुलाजिम है, 300 रुपये तनख्वाह मिलती है, अगर ये अहमद मियाँ शहर चला जाएगा तो कुछ हुनर मिल जाएगा। ठीक है इमाम साहब, जाकर समझाते हैं। अरे यार, भीड़ नहीं लगा तेरे से? यार हम लगा रहे हैं निशाना। दोबारा से लगाओ। तेरे पे तो लग ही नहीं रहा। हमें नहीं खेलना है, निशाना ही नहीं लग रहा है। यार गोलियां फेंक दे। अब ढूंढते फिरो, हमें निशाना लगाना सिखा रहे हैं, हमें भी भुला दिया है, हम पहले सबसे जीत जाते थे इनके हाथ। बताएगा, चलो जितनी तेज तेरी जबान चलती है उतने तेज अपने पैर भी चला। चल सरदार, क्या है इस छमिया को? शाबाश, अब आए हो बाहर। सुना है बसंती, तेरी जबान बहुत चलती है। अरे सरदार, इसकी जबान ही नहीं, इसके तो हाथ पाव भी बहुत चले। आराम जादे, क्या तू भी मुझे इससे टुड़वाना चाहता है क्या? अरे सरदार, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो ये कह रहा ये छमिया नाश्ती बहुत बढ़िया है। अरे ओ छमिया, जरा दो चार ठुमके हमको भी दिखाओ। ना चिपकली ना। देख, मुझे ज्यादा बकवास करने की आदत तो है नहीं, मेरा नाम कली नहीं बसंती है। बसंती, तेरा ऐसा रहबट मारूंगी, गब्बर सिंह से गब्बर सिंह बना दूंगी। रेडी रेडी से कल का। सरदार, इसे भी पकड़ लाए हम। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, है? बांध दो साले को। जी, जी को छोड़ दो, जी, जी को छोड़ दो, जी, जी, जी को। बहुत पुराना याराना लगता है, है? कहो तो तेरा निगा पड़वा दी से। सरदार, इनका निगा तो बाद में पड़वाइयो, मेले में बहुत जोर से नाची थी, दो चार ठुमके हमें भी दिखवा दो इसके। है, बहुत कटीली नचनिया लगती है, जरा दो चार ठुमके हमको भी दिखाओ। है? नहीं बसंती, नहीं, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। सरदार देखियो इसे, हमें कुत्ते बता रहा, हम तो बहुत बड़े सुअर हैं। तो ठीक है बसंती, इन सुअरों के सामने मत नाचना। क्यों ना नाचू, मैं तो नाचूंगी, क्या पता हमारी YouTube पे वीडियो वायरल हो जा। बता गब्बर, कौन से गाने पे नाचूं? अरे ओ सांबा, जरा लगा तो गाना, हम भी तो देखे सुने चने के दो चार ठुमके कैसा नाचती है। ठीक है सरदार। बाबुल की दुआएं लेती जा। अबे ओ सांबा, क्या तेरी बहन की विदाई हो रही है, हैं? दूसरा गाना लगा। ठीक है सरदार।
गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। ए सांबा, तूने हमें भिखारी समझा है क्या? अरे हम डाकू हैं। तीसरा गाना लगा। ठीक है सरदार। भैया मेरे राखी के बंधन को नहीं छोड़, भैया मेरे छोटी बहन को ना बुलाना। कपर सिंह, अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो फोन के रख दूंगा। अपने आदमी से कह दो कि बंदूकें फेंक दें। लाशें बिछा दो, लाशें। तू सन्नी देवाली, अमिताभ बच्चन है, जल्दी भाग। तो जाली है। ओ हरामजादा, आज तो हमको भून के रख देता, आज तो हमारी जान बच गई। सरदार, जब हमारी जान बच गई इसी खुशी में कुछ नाच गाना हो जाए, जश्न का इंतजाम किया जाए। सरदार, मुर्गी फंस गई, क्या करना है इसका? ढूंढ दे साले को और वापस भेज दे। अरे अल्ले गुसल पल्ले गुसल देख मेरा गुल्ला, हाय रे लल्ला तेरा दिए रे लल्ला, हाय रे लल्ला तेरा दिए रे लल्ला। बसंती, बसंती, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? बसंती, अहमद, अहमद, कैसा लगा गब्बर का तोहफा? मेघा ठाकुर, तुम्हारे इन आदमियों की वजह से गब्बर ने ऑफिसर के बेटे की जान ले ली। अब हम ये जुल्म और नहीं जा सकते ठाकुर, नहीं जा सकते। सुनो गांव वालों, इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा बोझ एक बाप के कंधों पर उसके बेटे की जवान मौत का होता है। जब मैं इस चीज के लिए तैयार हूं तो क्या तुम नहीं हो?
इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह अकबर। बसंती, मेरी नमाज का वक्त हो गया। चल वीरू, मेरे साथ चल। अरे लकड़ी मुझे ला के दे दे, जला दूंगी तेरा चूल्हा। अरे भाग भाग जा।